हेलो दोस्तों, जय कबूतर। कबूतर देसी हाई फ्लाइंग पिजन्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश माणिक खंडागले। दोस्तों, आज की जो स्पेशली ये वीडियो है दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने के लिए आए थे दोस्तों एम पिजन लॉफ्ट में। ये एम पिजन लॉफ्ट है दोस्तों अमित भाई और अतुल भाई, और इनके पास दोस्तों स्पेशली आ चुके हैं अभिजीत भाई, जो स्पेशली अभिजीत बरड़े जो स्पेशली रहते हैं पुणे में और मुंबई में जॉब करते हैं। तो स्पेशल दोस्तों हम इनकी मुलाकात लेने वाले आज, जो इनका इंटरव्यू लेने वाले दोस्तों। स्पेशली इन्होंने फार्म हाउस वगैरह ओपन करके रखे हैं सब अलग अलग जगह पर, और ब्रीडिंग सेटअप भी करते हैं। तो उनके साथ दोस्तों तोसीफ भाई भी आ चुके हैं, और सबसे पहले हम आपको अमित भाई से मिलाना चाहते हैं, जिनके पास हम आए हुए हैं, जिन्होंने बुलाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये अमित भाई, हेलो, कैसे? मस्त मस्त, थैंक यू बोले बदल। और ये अभिजीत भाई, जो स्पेशली हम कह रहे हैं, ये देखो दोस्तों, हेलो अभिजीत भाई, कैसे आप? बढ़िया। ओके। और ये है तोसीफ भाई, हेलो तोसीफ भाई। ओके। तो अभिजीत भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि आज की जो वीडियो है, आज हम आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, आज हम आपकी मुलाकात लेने वाले। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको कबूतरों का शौक़ कब से चालू हुआ है, कब से एक शौक़ लगा है? मुझे कबूतर का शौक़ है लगभग 1995 से लेकर। 1995, क्या बात है। 95, हाँ तो 1995 में मैं पालता था शोपीस कबूतर। मेरे पास में सारे चोटीबाज, पैमोज वगैरह ऐसे कबूतर थे। लगभग 4 से 5 साल मैंने उसका शौक किया। अच्छा। फिर 2000 साल में भाई मैंने कबूतर देखा था, रामपुरी कबूतर किसी के पास में जलगांव में। तो हमारे जावेद भाई है जलगांव के, बहुत अच्छे शौकीन थे। अभी फ़िलहाल कबूतर नहीं पालते, लेकिन बहुत अच्छे शौकीन थे वो। तो उनके पास में पहली बार जाके मैंने कलसरे कबूतर देखे थे। okay. तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे कलसरे कबूतर, वो रामपुरी कबूतर। हाँ। तो तभी से मुझे गिरेबाज कबूतर का शौक लगा। okay. तभी से मैं रामपुरी और ये गिरेबाज कबूतर पाल रहा हूँ। ओके ओके, का शौक कर रहा हूँ मैं। ओके, लोग ज़्यादातर करके आपको रामपुरी ही पसंद है? बिल्कुल, मुझे पहले से भी रामपुरी पसंद है, और जो जिनको मैं उस्ताद कहता हूँ, जो मेरे उस्ताद हैं। क्या नाम है आपके उस्ताद? औरंगजेब शेख, अहमदाबाद के जो है, अहमदाबाद के। तो उनका भी जो शौक है ये रामपुरी का, सारंगपुरी का ही है। तो वो तो मुझे मतलब उसके वजह से भी मुझे रामपुरी और सारंगपुरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बस। अच्छा, ओके, सही बात है। यानी कि मतलब जो अपने जो बड़े, जैसे कि अपने फैमिली जिस तरह हमको कहती है कि आप ये रास्ते पे चलो, तो वो रास्ते पे हमको चलना पड़ता है। जैसे कि अभी इन्होंने जो उस्ताद यानी कि जो चुना है, एकदम अच्छे उस्ताद चुने, तो वो जिस तरह उन्होंने मतलब इनको शौक लगाया हुआ है, उस तरह आप भी शौक करो। और आपका जो शौक है वो रामपुरी का बचपन से ही था, तो जिस तरह मतलब आपको भी उस्ताद का भी एक शौक, तो आपको और अच्छा लगा। और अच्छा लगा वो। तो आप कबूतर वगैरह उड़ाते हो कि नहीं? एक्चुअली कैसा है कि पहले पढ़ाई करता था, अच्छा, तभी कबूतर उड़ा नहीं पाया। हाँ हाँ। उसके बाद में जॉब के लिए, अभी ऐसा है कि जॉब के लिए मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ। जैसा कोई प्रोजेक्ट मुझे मिल गया साउथ इंडिया में, मैं साउथ इंडिया में चले गया। हाँ। रत्नागिरी में चले गया, मुंबई में चले आया। मतलब एक स्टेशनरी जॉब नहीं है मेरा, तो कबूतर उड़ाना मेरे से होता नहीं है। ओके, सही बात है। उड़ा नहीं पाता हूँ, उतना वक्त नहीं दे पाता हूँ कबूतरों को, लेकिन ब्रीडिंग का मेरा शौक है। अच्छा। तो एक करता हूँ मैं, जहाँ जाता हूँ वहाँ के, वहाँ पे अपना एक सेटअप बना लेता हूँ। ओ, क्या बात है। हाँ। ताकि कबूतर का शौक कर पाऊँ, कबूतर को वक्त दे पाऊँ। हाँ हाँ। क्योंकि कबूतर ऐसा मतलब शौकीन जो है वो कबूतर के बिना नहीं रह सकता है। सही बात है। उसको कबूतर के पास जाके जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो कहीं और नहीं पा सकता है वो। नहीं पा सकता, ये भी बात है। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे अपना एक सेटअप बनाता हूँ भाई। हाँ हाँ। और कबूतरबाजी तो छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं, सही बात है। तो जिस तरह आपने कहा कि मतलब जहाँ जाते हो वहाँ ब्रीडिंग सेटअप आप बनाते हो, तो वहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप जो है, मतलब इससे ये पता चला कि आपको ब्रीडिंग करना ही पसंद है, उड़ाना ज़्यादा नहीं, ब्रीडिंग करना पसंद है। तो ब्रीडिंग से ये याद है कि हमारे बहुत से भाई है जो, उनको ब्रीडिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं, बच्चे को बड़ा नहीं कर पाते, बच्चे मर जाते हैं, माँ बाप उनके थोड़े कम हो जाते, कमज़ोर हो जाते, अंडे नहीं निकलते। तो प्लीज़ ब्रीडिंग के मामले में कुछ व्यूअर्स को थोड़ा सा टिप्स। ऐसा है एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं पहले जब भी जोड़े लगाता था, तो पहले पता नहीं चलता था कि ये मैच्योर पेयर है, ये जोड़ा संभाल सकेगा नहीं संभाल सकेगा। तो मैच्योरिटी के हिसाब से भी होता है। ओके। दूसरा, अपने जो मतलब एटमॉस्फेयर है, जो एरिया में हम लोग कबूतर रखते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर भी मैटर करता है। हम लोग जो उनको खिलाई पिलाई कराते हैं वो भी मैटर करता है। उसके साथ में हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं वो भी मैटर करता है। तो अभी ऐसा है कि पहले के ज़माने में जो कबूतर थे और अभी के ज़माने के जो कबूतर है उसमें काफ़ी फ़र्क है। सही बात है। पहले से जो कबूतर पालते आ रहे हैं वो बंदे बोलते आ रहे हैं भाई सप्लीमेंट वगैरह का तो अभी अभी आया हुआ है, लेकिन अभी के जो कबूतर है उनको बिना सप्लीमेंट के हम लोग
नहीं संभाल पाते हैं, ये भी बात है। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फीड वगैरह करना पड़ता है तभी जाके बच्चे वगैरह संभालते हैं। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, चेंजेस होते आ रही है, चेंजेस होते आ रहे हैं अभी। बरोबर बरोबर, तो जिसका जिसका अपना अपना तजुर्बा है, ब्रीडिंग करना है तो ब्रीडिंग के लिए मतलब काफ़ी सारे चीज़ें हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं कि बंदा ब्रीडिंग कर सकता है, बच्चे बढ़ा सकता है। हाँ हाँ, अपना तरीका होता है। ओके ओके ओके, तो अभी ब्रीडिंग से मुझे एक याद आ गया कि एक स्पेशली जो बंदे को मतलब ब्रीडिंग कराना है, जोड़ लगाना है, तो उनको एक सेपरेटली मतलब जो ओपन घर होता है, एक लॉफ्ट होता है, तो ओपन में खाली आम की पेटी पूरी ओपन होती है, तो उसमें ब्रीडिंग कराना बेस्ट होता है क्या जो पिंजरे वाली जो पेटी होती है, जो खन कहते हैं, खोखा कहते हैं, तो वो बेस्ट होता है? दोनों में से एक आपके नज़र में कौन सा बेस्ट है? ऐसा है कि कॉलोनी सिस्टम भी बेस्ट है। कॉलोनी सिस्टम यानी, जो हमारे नए व्यूअर्स को नहीं पता है, कॉलोनी यानी कि जो ओपन ओपन सिस्टम जो है, जहाँ पे केजेस होते हैं जिनको दरवाजे वगैरह नहीं होते, वो भी अच्छा है सेटअप। और जो केज सिस्टम है, केज ब्रीडिंग जो है, वो भी अच्छा है, जहाँ पिंजरे वगैरह बना के उसके अंदर कबूतर रख के आप ब्रीडिंग करा सकते हो। हाँ हाँ, वो भी सिस्टम सही है। ओके, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिस्टम गलत है या इसमें ब्रीडिंग नहीं होती है, उसमें काफ़ी अच्छी होती है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। ओके, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपका कहना ये है कि सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना तजुर्बा है। बिल्कुल। ओके ओके, वो तो मस्त है। तो अगर हम अगर केजेस की बात करें, तो कितने बाय कितने का खन होना चाहिए, डीप अंदर की गहराई, बाजू में, हाइट में, एक एक खोखा, एक सैंपल? वो भी ऐसा है कि जैसे कबूतर के ऊपर डिपेंड करता है कि कबूतर क्या साइज़ का है। हाँ, और रही बात कि भाई कबूतर में इतना, उसको इतना स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि एक ही जगह पे कबूतर अगर हम लोग ज़्यादा रखते हैं तो कबूतर स्ट्रेस में चले जाते हैं। ओके, स्ट्रेच में यानी लकवे में वगैरह स्ट्रेस में चले जाते हैं, मतलब उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको बुरा लगता है वो चीज़, बुरा लगता है, तो कमजोर हो जाते हैं, दाना पानी नहीं खाते, दाना पानी नहीं खा पाते हैं। जैसे आकाश भाई, समझो अभी तुमको एक घर में बंद करके रखे, एक ही जगह पे रख दी। हाँ हाँ हाँ, घूमते फिरते रहे, बरा एक समझ में आया, तो मतलब एक देखा जाएगा तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में जेल, जेल जैसा, जेल जैसा, जेल जैसा भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो क्या है, बुरा मान जाते, हिंदी बुरा मान जाते हैं कबूतर। ओके, जैसा फ्री अगर रहते हैं, थोड़ी हालचाल होती है उनकी, अंदर उनको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। हाँ, तो एक अंदाजा वो हिसाब से भी, कम से कम मतलब 2.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का केज है, इससे बड़ा भी बना सकते हैं, 2 बाय 2 बाय 1.5 का भी बना सकते हो आप, 2 बाय 2। डिपेंड करता है कि कितना स्पेस अवेलेबल है आपको, कितने केजेस बनाने हैं, कितने ब्रीडिंग पेयर्स रखने हैं। ओके, और उसका मोटिव क्या है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या केज का साइज चाहिए। ओके 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 ओके, सही बात है, यानी कि 1.5 फुट अंदर गहराई, 2 फुट आड़े में या 2 फुट कड़े में, ऐसा। हाँ, 1.5 फुट हाइट एक्चुअली काफ़ी हो जाती है, काफ़ी हो जाती है, सही बात है, 1.5 फुट हाइट और अंदर भी गहराई 1.5 फुट या 1.5 फीट बहुत हो जाती है, 2 फीट जो मतलब जितना स्पेस आपके पास में अवेलेबल है वो हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। ओके ओके, बहुत मस्त। और रही बात दूसरी की, कबूतर को जो अंडे बच्चे जो करते हैं, जो ब्रीडिंग पेयर को, दाना पानी क्या देना चाहिए जिससे कबूतर फ्रेश और फिट रहे, बच्चे भी अच्छे बने? ये जो है, जैसा दाना पानी की बात अगर करते हैं, तो जैसा इंसानों का होता है वैसा ही जानवरों का भी होता है। अच्छा, जैसा सीजनल फूड इंसान जो है सीजनल फूड खाता है, वैसे ही कबूतरों में भी सीजनल फूड होने चाहिए, मतलब जैसे जो सीड्स वो जो सीजन में मिलते हैं। ओके, उनके साथ में हम लोग उनको मतलब बदलाव करते रहना चाहिए हमेशा। अच्छा, मतलब एक ही फूड हम लोग अगर उनको खिलाते तो एक ही टाइप का कुछ प्रोटीन हो या जो कुछ भी है वो एक ही टाइप का हम लोग खाना खिला के उनको, मतलब जो कमी जो है वो किसी तरह से उनकी पूरी होनी चाहिए। तो जैसा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, कुछ ऑयल सीड्स होने चाहिए जिससे फैट्स वगैरह बढ़ सके, ऐसा दाना जो है उसमें कुछ चेंजेस करते रहने चाहिए। ओके, जो उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। ओके, अभी ये सीजन चालू है बारिश का, तो बारिश में क्या देना चाहिए एक सैंपल? बहुत से व्यूवर्स थोड़े ज़रा परेशान है, उनके लिए एक छोटा सा। इसमें क्या है कि बारिश में इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, मतलब जो अपना पाचन संस्था जो होता है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। ओके, सही बात। तो इसके लिए इनको जो हल्का खाना है, मतलब छोटा दाना जो है, क्या छोटा दाना, जैसा बाजरी हो गई, हाँ, अपना राई हो गई, हाँ, थोड़ा बहुत गेहूँ इतना नहीं पर थोड़ा क्वांटिटी में, क्योंकि क्या है जो कबूतर सुस्त होगा वो पहला थोड़ा मोटा दाना उठाता है, तो उसमें गेहूँ भी हजम करने के लिए थोड़ा आसान होता है, तो वो हिसाब से, और कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी अच्छा सोर्स है। अच्छा, ओके, तो वो हिसाब से थोड़ी ताकत भी देता है, तो हिसाब से हम लोग इस तरह का ये कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, करडई हो गई, करडई के भी 2-3 दाने अगर कबूतर खा लेता है, हाँ हाँ हाँ, तो भी उसका फैट वगैरह जो है, हाँ, वो रिकवर कर सकता है। ओके, राई है, राई थोड़ा गर्म रखती है, बाजरी है, जो गौ, बाजरी, राई और करडई, हाँ, ये हजम करने में बहुत आसान होता है। ओके,
तो छोटा दाना और जितना आप ये कर सकते हो उसको थोड़ा सा तेल वगैरह लगा के अगर मल के अगर आप उनको दे सकते हो तो। कौन सा तेल? राई का तेल है, जैसा कलौंजी का तेल है। ओके, स्पेशली बारिश में कलौंजी भी खिलाते हो उनको। कलौंजी, हाँ, तो मतलब हर सीजन में कलौंजी अगर आप खिलाते हो तो कबूतर को आपको शायद ही बीमारी में आने का चांस कम है। हाँ, क्योंकि कलौंजी ऐसा मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है, सीड है कबूतरों के लिए जो काफी फायदे करता है उनके लिए। ओके ओके ओके, कलौंजी का रागी बोलते क्या? नहीं, कलौंजी ही बोलते हैं। ओके, अनियन सीड्स होते हैं छोटे छोटे, बराबर लंबे टाइप में पतले, बराबर काले तिल जैसे। हाँ, अच्छा, तो कलौंजी का तेल भी आता है। हाँ, आप चाहो तो थोड़ा महंगा आता है, तो आप दाने को मल के दे सकते हो, कलौंजी का तेल भी खिला सकते हो। ओके ओके, सही बात है। अगर हम डायरेक्ट अगर मिक्स दाना देते जैसे कि गेहूं, बाजरी, राई, मक्का, काला चना, मसूर की दाल, अच्छी मूंग की दाल और बाकी का मूंग मटकी, अगर ये सब मिक्स करके अगर हम देते हैं जोड़ वालों लोग के लिए, तो वो बेस्ट है क्या? नहीं, बेस्ट है, बेस्ट है, लेकिन हर कोई नहीं दे सकता है। सही बात, कोई नहीं दे सकता है, तो फिर उसमें क्या है कि जैसा अभी कार्बोहाइड्रेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, जैसा आपका बाजरी हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप हो गए। ओके, तो चना प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स में मतलब मक्का भी आपका कार्बोहाइड्रेट में ही आता है, तो प्रोटीन्स में चना हो गया, पल्स हो गया, मतलब जो दाल वगैरह जो आती है सारी, ऐसा ऑयल सीड्स में आपका कर्डई हो गया, राई हो गया, तो ऐसा सब मिक्स करके उनको देना चाहिए। ओके, तो वो हिसाब से मतलब हर कोई इतना सारा मिक्स करके नहीं दे सकता, नहीं दे सकता है, बराबर, ये भी बात है। तो वही हिसाब से मिनिमम 3-4 दाने जो है जो रिक्वायर्ड होते हैं उतना भी अगर करते हैं तो भी बहुत काफ़ी है, बहुत मस्त है। ओके ओके, तो और कुछ कहना चाहोगे आप व्यूअर से? भाई यही है कि शौक बहुत अच्छा है, ये सारे लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, इसमें कॉम्पिटिशन ना करते हुए बहुत अच्छा शौक करना चाहिए सब लोगों ने मिलके, तो बहुत मज़ा आता है ये शौक में। और भाई मैंने तो बहुत दोस्त कमाए और इसमें दुश्मनी बहुत कम होती है। देखिए, अगर हम लोग सही है तो सारी दुनिया सही है, बराबर। तो जितना आप शौक को बढ़ावा देंगे और जितना सही तरीके से शौक करेंगे, बहुत मज़ा आता है। ओके ओके, बहुत मस्त, बहुत अच्छी बात कही। तो मैं पूछना चाहूँगा लास्ट आपसे कि आप अमित भाई को कब से जानते हो? आज कम से कम 5-6 साल, 5 साल हो गया होगा, 5-6 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, अमित भाई को जानता हूँ मैं। हाँ, 4 से। बहुत पुराने संबंध है हमारे। अरे वाह। हाँ, और मतलब अमित भाई जब भी गोरेगांव में कबूतर पालते थे, अभी उन्होंने अभी कोलकाता में शिफ्ट हुए हैं, बराबर, लेकिन जब भी अमित भाई गोरेगांव में ये शौक करते थे तभी से अमित भाई को जानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मस्त, बहुत अमित भाई के पास के कबूतर, तो भाई मेरे पास में भी कुछ कबूतर है अमित भाई के, कुछ मैंने गवा दिए। हाँ हाँ, लेकिन बहुत अच्छे कबूतर मिले थे मुझे तभी भी और अभी भी, आज भी मैंने उनसे सारंगपुरी का एक जोड़ा लिया हुआ है। वाओ, मतलब आपके पास इतने पास कबूतर, इतने सारे कबूतर होने के बाद भी आप नए नए कबूतर लेते रहते हो, मतलब एक शौक कभी मरता नहीं है, लिए बगैर रहते नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा दिल करता नहीं। अच्छा, दिल से बोल नहीं सकते, बस अब बस उल्टा ये होता है कि नहीं और लेके आओ। क्या बात है, हो तो मस्त, कुछ कहना और यूर से? बस शौक अच्छा करिए भाई, बहुत मस्त, शौक अच्छा करिए, और जो इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, शौक को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करिए। सही बात, जैसा आकाश भाई है, अमित भाई है, बाकी सारे लोग भी है जो कबूतर ला ला के बेच रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करिए। और प्लीज़ प्लीज़ गलत कमेंट्स किसी को मत करिए, क्योंकि इसके पीछे किसी की भावना को हम लोग जो दुखाते हैं वो अपना हक नहीं है, ये हमारा हक नहीं है किसी को दुखाना। तो किसी को गलत कमेंट करके आप उसका हौसला तोड़िए मत। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप पर्सनली कॉल करिए, उनको बताइए कि भाई आप ये गलती कर रहे हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। और बहुत अच्छा शौक है भाई ये, जो हर कोई खराब मत करिए, चोरी मत करिए, क्योंकि चोरी करने से एक दूसरे के दुश्मनी में लोग चोरी भी कर रहे हैं आजकल, तो शौक भी खराब हो जाता है, कॉल भी खराब हो जाता है, इतने सारा पैसा मतलब खर्चा करके कोई शौक करता है और एक रात में उसका शौक आप लोग खराब कर लेते हैं, तो मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता है, क्योंकि कबूतर अच्छे अच्छे कबूतर मिलना बहुत टाइम लगता है, यहाँ से ढूंढना, वहाँ से ढूंढना, और एक ही बार सब गायब हो जाना, तो बहुत दिल को टूट जाता है। अच्छे हो ना हो लेकिन उससे दिल लगता है,
सही बात है। मेरा कबूतर है भले ही वो उड़े ना उड़े, लेकिन मेरा मेरे दिल के करीब है वो कबूतर, मेरा पसंदीदा कबूतर है। सही बात है, चाहे कम का हो या महंगा का हो, महंगा हो या सस्ता हो, जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे दिल के करीब है वो कबूतर। अगर वो एक रात में अगर मेरे से चोरी हो जाता है, वो मुझे वापस दिखना नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, खुन्नस आएगा, ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, तो ऐसा मत करिए। नहीं करिए, बराबर यही कहने चाहेंगे हम, बस सबको ये मैसेज देना चाहेंगे। तो उसी बार मैं पूछना चाहूँगा आपको कि आप अभिजीत भाई को कब से जानते हो, कैसे आप मुलाकात हुई इनसे? अभिजीत भाई को मैं ग्रुप में पहचानता हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, क्योंकि कबूतर का अभी ग्रुप है, हर जगह फैला हुआ है, तो वहीं से सब लोग का स्टार्ट होता है मिलना जुलना। अभी कैसा होता है, वो अच्छे बंदे हैं, बराबर, कोई भी उनसे मिलेगा ना तो उनसे दोस्ती ही रखेगा। अच्छा अच्छा, बहुत लिमिटेड रहते हैं ऐसे बंदे, तो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे दोस्त ऐसे मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपने भाई है। तो कबूतर एक अच्छा शौक है, उसको अच्छी तरह से ही निभाओ, बहुत अच्छा शौक है। बहुत अच्छा, ओके ओके, कुछ कहना आपको व्यूअर्स से जाते जाते? व्यूअर्स से वही बोलूँगा, कम कबूतर रखो, अच्छे रखो, अच्छे से शौक होगा, बस उसमें ध्यान दो बस। और बहुत अच्छा शौक है, आप किसी भी कबूतर बाज को पूछेंगे ना, वो कबूतर से बहुत लगाव करता है। जितना फैमिली में ध्यान देता रहेगा, उतना कबूतर पे ध्यान देता है, बच्चे के जैसा संभालता है। तो कबूतर को अच्छा बढ़ावा दो, किसी का ऐसा चोरी वोरी नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करो, सब सपोर्ट करेंगे तो ये सब चीज़ नहीं होगा। सही बात है, ये भी बात बराबर है, सपोर्ट करना चाहिए। कबूतर लोग भी एक कमेटी बनाना चाहिए ये चीज़ के लिए। सही बात है, ये भी बराबर है। और मैं अमित भाई को भी जानता हूँ, बहुत अच्छे बंदे हैं, जब से इनसे मिला हूँ तब से जुड़ा हूँ और आगे तक जुड़ा ही रहूँगा, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं ऐसे जेनुइन बंदे, जिसे मैंने बहुत बार देख चुका हूँ। अभी बहुत लोग कॉल पे बोलते हैं इतना ऐसा प्राइस है वैसा, लेकिन आप पर्सनली आओ मिलो, आप जब पर्सनली आओगे मिलोगे तो भी आपको पता चलेगा कि वो कैसे बंदे हैं। मैंने बहुत लोग को देख चुका हूँ, कोई एक जोड़ा लेने आता है, वो दो दो तीन तीन जोड़ा लेके जाता है। अरे वाह, मस्त है, चला अच्छा है, ओके। तो अमित भाई, आपको कुछ कहना है व्यूअर्स से, कि मतलब आप अभिजीत भाई से पहचान वगैरह कैसे क्या? अभिजीत भाई की तो भाई बहुत जूनी पहचान है। हाँ, पहचान यानी क्या, भाई समझ लेना, अपने बड़े भाई ये लाइन में या ये फील्ड में लाने वाली ही अपने को हुई है। अरे वाह, अच्छा। पहले तो शौक करते थे छोटा मोटा। हाँ, जिस दिन अभिजीत भाई मिले तो उन्होंने ग्रोथिंग लाई। हाँ, आज सेलिंग का चालू किया अपने, वो भी सब क्रेडिट अभिजीत भाई को ही है। क्या बात है, बहुत मस्त। कबूतरबाजी के अपन छोटे पैमाने पे करते थे। हाँ, जिस टाइम बड़े पैमाने पे किए, पहले अभिजीत भाई का आता। अच्छा, फिर अपने उस्तादों का आते। हाँ, ओके, तो फिर उसमें गलत बात हो जाती है। भाई अगर बोल रहे हो तो भाई का काम भी है कि भाई की मदद करे या भाई को सपोर्ट करे। हमने बस पहला लॉट लेने के लिए तो हम दोनों एक साथ ही गए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत मस्त, अच्छा है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आज भी जिनके जिनके पास है वो नाम निकल रहे। अच्छा, क्या बात है, अच्छे कबूतर मिले थे, बहुत मस्त। अच्छा है, तो अभिजीत भाई कुछ कहना आप जाते जाते, एक छोटा सा मैसेज जो हमारे नए व्यूअर से, कबूतर किस तरह लेना चाहिए, किस तरह क्या कुछ एक? भाई ऐसा है ना कि कबूतर लेने के लिए तो काफ़ी सारे लोग, मतलब बहुत सारे वीडियोज है यूट्यूब पर, कि अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पहचान का तरीका है। सही, मतलब कबूतर कैसा लेना चाहिए ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि कबूतर कैसा लेना चाहिए। बस ऐसा है कि कोई अच्छा बंदा चुनिए जिससे आप कबूतरबाजी सीख सकते हो, और सबसे अच्छी बात है कि कबूतर ही अपना उस्ताद है, तो कबूतर परखिए, कबूतर से ही सीखिए। अभी मेरा नसीब अच्छा है कि भाई मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले कबूतरबाजी में। अच्छा, जेब भाई है, अजहर भाई है, बराबर, काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे कि जिनसे काफ़ी अच्छी कबूतरबाजी में सीख पाया हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा ही किसी, मतलब किसी की बातों को अनदेखा मत करिए, कोई अगर बता रहा है तो उसको आप खुद भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए। सही बात, कोई है। बताता है वो सही भी हो सकता है, कोई बताता है वो गलत भी हो सकता है। बराबर, तो अपना खुद का मतलब दिमाग लगा के भाई खुद कुछ एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस जो होता है वो अपने काम आता ही आता है, और वो कभी झूठ नहीं होता है। बहुत मस्त, सही बात है, ये बात बहुत अच्छी लगी अभिजीत भाई की, क्योंकि उनका कहना है कि जो कोई भाई आपको नॉलेज देता है तो छोटी छोटी नॉलेज, आप ये मत समझो ए
तू बुरेगा तेरा शाना मेरे को मत बता, ऐसा बोलने वाले बोलते। तो मेरा बात बोलने का मतलब यही है कि दोस्तों अगर वो कुछ आपको नॉलेज दे रहे छोटी छोटी पॉइंट, तो वो भी आप उनसे सीखो, क्योंकि यहाँ से थोड़ा नॉलेज, ऐसे थोड़ा नॉलेज, सब जगह से नॉलेज लेके आप भी एक अच्छे कबूतरों का नॉलेज सीख पाओगे। और वो नॉलेज अगर दे रहे तो वो नॉलेज आप अपने कबूतरों पे आजमाओ। तो अगर ये बात अगर सच हो रही है, वो नॉलेज सक्सेस है, तो समझ जाना कि उन्होंने अपने को अच्छा नॉलेज दिया था। अगर आपको कबूतरों में अगर सक्सेस नहीं हो रही है, तो समझ जाना कि वो बंदा आपको गलत नॉलेज दे रहा है। ये इस तरह बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत मस्त है। थैंक यू अभिजीत भाई, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत मस्त। और थैंक यू आपने यहाँ पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रोसिफ भाई, आपका भी नॉलेज आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू व्यूवर्स आप सभी का, जो आपने इतना टाइम हमारी वीडियो देखी, जो इतना टाइम आप मिनट देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो कुछ कहना आपको जाते जाते व्यूवर्स से, किसी को कुछ? बस भाई अप्रिशिएट करिए, इनकी जो मेहनत है इनको अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय कबूतर। बहुत मस्त है। यही कहना चाहूँगा मैं दोस्तों, जिस तरह इन्होंने नॉलेज का है, बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। स्पेशली इनको भी नहीं पता है कि मैं इनकी मुलाकात लेने वाला हूँ, तो हम ऐसी वीडियो बना रहे थे, तो सोचा एक इनके ऊपर भी एक वीडियो हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत अच्छे कबूतर प्रेमी है, बहुत अच्छे कबूतरों का शौक करते हैं, और बहुत अच्छे ब्रीडिंग प्रोग्रेस इनके पास होते रहते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इसलिए मैंने सोचा एक व्यूवर्स के, हमारे नए नए व्यूवर्स से उनके लिए भी एक छोटा सा नॉलेज मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप सभी का, जो आप इस तरह वीडियो देख रहे हो। ओके दोस्तों, यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है, आप उसे टच कीजिए, उसके आगे बेल आइकन, उसे भी आप टच कीजिए, उससे ही होगा। जैसे हम इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे, सबसे पहले आप ही के पास आ जाएगी। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी हो। ओके दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय कबूतर।